आम आदमी पार्टी की नेता और सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट के मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। स्वाति मालीवाल केस में मुख्य आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में जेल से रिहा होने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्हें स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 18 मई को अरेस्ट किया था। तब से वे पुलिस हिरासत में ही थे, जबकि 28 मई को दिल्ली की एक कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से राहत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और उन्हें पूरे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक और स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो वहीं उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका को MP MLA कोर्ट के पास भेजा है, जहां जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच विभव कुमार मामले की सुनवाई कर सकती है। जो याचिका उनकी ओर से लगाई गई थी, उसमें विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उस याचिका में उनकी ओर से ये दलील दी गई थी कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया था, लिहाजा उन्होंने जबरन कस्टडी में रखे जाने के बदले मुआवजे की मांग भी की थी। साथ ही इस एक्शन में शामिल रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई थी। आपको बता दें कि विभव कुमार तब चर्चाओं में आए थे, जब उन पर आप नेता स्वाति मालीवाल से कथित तौर से बदसलूकी करने का आरोप लगा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में हुई उस कथित घटना ने सबको चौंका दिया था। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में पुलिस PCR के पास एक के बाद एक दो फोन कॉल्स किए गए थे। दूसरी ओर से एक महिला ने दावा किया था कि उसे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में पीटा गया है और उसके साथ बदसलूकी की गई है। मामला सीएम आवास से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया था। तब तक उस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद खुद स्वाति मालीवाल सबके सामने आई और उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया और तब सीएम केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उन पर कई धाराओं के तहत केस फाइल किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।